नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरएस एनिमल प्लैनेट और मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पंजाबी कबूतर की पहचान बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को जो है आप पूरा देखें और हमारे चैनल आरएस एनिमल प्लैनेट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको आज बताएंगे हम पंजाबी कबूतर की पहचान। ठीक है दोस्तों, जैसे मेरे हाथ में एक पंजाबी मादीन है। ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया ब्लड लाइन की मादीन है। आप पहले इसका शौक करो, इसकी आंखों का शौक करो दोस्तों। इसकी ये देखो आप, पुतली जो है कितनी बारीक है। ठीक है दोस्तों, हमारा टॉपिक था कि पंजाबी कबूतर की क्या पहचान होती है, और इस पे दोस्तों वीडियो कई बन चुकी है हमारे चैनल पे, लेकिन फिर भी भाइयों के कमेंट जो आ रहे थे कि भाई आप अच्छी तरह बताओ कि पंजाबी कबूतर की क्या पहचान होती है, तो इस पे दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो दोस्तों, पहले तो आप इसकी आँख का शौक करो जो मैं आपको धूप में करा रहा हूँ। बेहतरीन क्वालिटी की आँख है दोस्तों इसकी। दोस्तों पंजाबी कबूतर के पहले पर देखो आप, पंजाबी कबूतर के दोस्तों जो पर होंगे ना, बारीक पर होंगे दोस्तों। सबसे पहली जो बड़ी पहचान है इसकी, पंजाबी कबूतर के पर जो होंगे, जैसे आप देख रहे हो वीडियो में, ये बारीक पर होंगे। ये तो पर इसका आ रहा है अभी, दसवां पर। ये दोस्तों बिल्कुल बारीक पर होंगे, ठीक है। और दोस्तों, उड़ने वाले पंजाबी कबूतर में जो है पहचान कि पर में जो है जो गैप नहीं होने का बिल्कुल भी, पर दोस्तों ऐसे होगी, देखो बाजू बिल्कुल भी गैप ना हो, जिससे कि हवा पास ना हो और कबूतर उड़ ना सके। ठीक है दोस्तों, एक तो बारीक पर होंगे और परों में गैप नहीं होने का पंजाबी कबूतरों में। ठीक है दोस्तों, और दो दोस्तों, इसकी जो पूंछ होती है पंजाबी कबूतर की, दुम जो होती है वो दोस्तों कुछ इस तरीके की दुम होती है, इनकी छोटी दुम होती है। ठीक है दोस्तों, पंजाबी कबूतरों की जो दुम होती है वो छोटी होती है, मीडियम साइज़ की, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। ठीक है दोस्तों, और सिंगल पत्ते की दुम होगी ना तो ज़्यादा बढ़िया होगी, जैसे इसकी है, सिंगल पत्ते की दुम ज़्यादा बढ़िया होगी पंजाबी में। ठीक है दोस्तों, मीडियम खुलेगी, ज़्यादा नहीं खुलने की। और पर दोस्तों आपको बता दिए, परों में ज़्यादा गैप नहीं होने का, छोटे पर होंगे और बारीक पर होंगे। ठीक है दोस्तों, और जो इसके तिल्ला ना दोस्तों, ये तिल्ले देखो, जो बीच में तिल्ला होता है, ये तिल्ला दोस्तों बारीक होगा। जितना बारीक होगा उतना बढ़िया उड़ेगा पंजाबी कबूतर, जितना बारीक तिल्ला होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों पंजाबी में भी कई तरीके की नस्लें आती हैं। तो दोस्तों, जो ये पामोच पंजाबी होते हैं ना, ये सुपर क्वालिटी की मादीन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पामोच में है। और दोस्तों इसके नाखून देखो आप, खुश्क एकदम जामनी पंजे हैं इसके, धूप में दिखाओ, ये देखो खुश्क पंजे हैं। और दोस्तों प्योर जो ब्लड लाइन होती है, जैसे इसके पंजे सफ़ेद हैं, सफ़ेद पंजे हैं ना इसके, तो दोस्तों इसकी चोंच भी देखो सफ़ेद होगी। ये एक प्योर ब्लड लाइन की मादा है दोस्तों, हैं, बहुत बेहतरीन मादीन है ये। और दोस्तों पंजाबी कबूतर की जो खोपड़ी होगी ना, जो इसका सिर होगा दोस्तों, सिर बहुत छोटा होगा, ये देखो बिल्कुल छोटा सा सिर होगा दोस्तों। ज़्यादा अगर मोटा सिर होगा ना दोस्तों, तो ये प्योर पंजाबी नहीं होगा, फिर ये देसी कबूतर का होता है मोटा सिर। तो पंजाबी कबूतर का सिर जो है छोटा ही सिर होगा। और दोस्तों इसके जो सिर के ऊपर से होंगी ना, चपटाट होगी, चपटा सा होगा इसका सिर, ये जो इसका सिर होगा ये चपटा ही होगा, ऐसे सिर चपटा होगा। पंजाबी कबूतर का सिर जो है वो चपटा होगा, गोल नहीं होने का दोस्तों, गोल होगा तो फिर वो प्योर पंजाबी नहीं है। पंजाबी कबूतर का सिर हमेशा चपटा होगा। ये दोस्तों कुछ मेन पहचान है। अगर दोस्तों आप इतनी भी पहचान देख लोगे ना कबूतर के अंदर, तो आप एक बढ़िया पंजाबी कबूतर ले आओगे। ये मैंने आपको मीडियम सी पहचान बताई है, ठीक है दोस्तों। सिर जो दोस्तों, दोबारा एक बार नोट कर लेना, सिर जो है वो चपटा होगा, गोल नहीं होने का। चोंच जैसे रंग की लाओगे, वैसे ही रंग के पंजे लाना, तो प्योर ब्लड लाइन होगी, डुप्लीकेट नहीं होने की, कोई मिलावट नहीं होने की, प्योर ब्लड लाइन होगी, जैसी चोंच वैसे पंजे। फिर तीसरी पॉइंट आपको बताया था मैंने, पर बारीक होंगे, परों में ज़्यादा गैप ना हो, ये देख के लाना, बारीक परों में गैप ना हो तो बढ़िया उड़ेगा पंजाबी कबूतर। और फिर पूंछ देखना आप, पूंछ भी दोस्तों इस टाइप की लाना आप, मीडियम, ज़्यादा खुलने वाली ना हो, मीडियम खुलने वाली हो। ठीक है दोस्तों, अब बात आ जाती है दोस्तों जोड़ की। तो जोड़ देखो यहाँ पे होता है कबूतर का, दिखाओ जी थोड़ा सा ऐसे करके दिखाओ, ये जोड़ होता है दोस्तों यहाँ पे, जहाँ मैं उंगली रख रहा हूँ,
ये जोड़ होता है, ये दोस्तों जोड़ जितना खुला हुआ होगा वो ज़्यादा बेकार होगा खुला हुआ, तो मीडियम खुला हुआ हो इस टाइप का, ज़्यादा खुला हुआ जोड़ मत लाना, ठीक है दोस्तों। वो कबूतर ज़्यादा उड़ने का नहीं, बच्चे वगैरह आप कटवा सकते हो खुले जोड़ वालों से, बाकी बंद जोड़ के ही लाना, हल्का सा खुला हुआ जोड़ हो, ठीक है दोस्तों। और ये जो जोड़ हो ना ज़्यादा बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त ना हो, ये जोड़ जो है थोड़ा हल्का मुलायम हो, ज़्यादा मुलायम भी नहीं, हल्का मुलायम जोड़ हो। और दोस्तों जो ये हड्डी होगी ना, ये हड्डी जितनी हड्डी मजबूत होगी उतना बढ़िया कबूतर उड़ेगा, तो ये मजबूत हड्डी वाला कबूतर आपको देखना, ये हड्डी यहाँ छू के देखना आप हड्डी पर, ये दोस्तों हड्डी जो है मजबूत होनी चाहिए, और ज़्यादा छोटी हड्डी नहीं होनी चाहिए, कम से कम तीन या चार, चार उंगली होगी तो चार उंगली की हड्डी तो होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये कुछ बढ़िया पहचान है दोस्तों पंजाबी कबूतर की, जो आपको देख के कबूतर लाना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो में समझ आ ही गया होगा कि आपको कैसा कबूतर लेके आना है पंजाबी, भाइयों के कमेंट पर मैंने वीडियो बना दी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो RS एनिमल प्लैनेट को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें चैनल को, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, आगे आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो आती रहेंगी हमारे चैनल RS एनिमल प्लैनेट पे, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को भी पूरा देखें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।